धीरे उत्तर ये प्रश्न हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। तो देखो मौसा लौसा ज्ञात करने की बहुत सी विधियाँ होती हैं, लेकिन आपको वही मेथड फॉलो करना है जो क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड बोला है तो 9 यहाँ लिख दो, यहाँ 12 लिख दो, यहाँ 17 लिख दो, इनका क्या करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड हमें तो छोटे से छोटा से लेके करना होता है, 3 3 9, 3 1 3, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, और 17 का भाज्य संख्या 17 1 17, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे 9, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक है, गुणा 1। 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और 17 को लिख सकते हैं 17 गुणा 1। तो देखो एक ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों में कॉमन हो, है क्या? नहीं है। तो एच सी एफ क्या होगा, जब तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एच सी एफ 1 होता है, तो एच सी एफ क्या आ जाएगा 1। और एल सी एम की बात करो, एल सी एम तो जो संख्या बच रही है, जैसे ये 9, ये पूरा 12 गुणा करने पर आएगा, और ये 17, इन सबको जब गुणा कर दोगे तो आपको आपका एल सी एम मिल जाएगा। 12 नंबर 108, 108 को किससे गुणा कर देना 17 से, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही आराम से हो गया और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नंबर 2 क्वेश्चन आ रखा है कि सिद्ध करो कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्वेश्चन तो हर बार आता है। तो उल्टा मान लेते हैं, माना 5√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। आपको पता है कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसको हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू का मान 0 नहीं होता। पी बट्टे क्यू परिमेय संख्या और 5 भी परिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में का लॉजिक यह है कि जिसमें अनरूट रहता है उसको एक तरफ रखो और बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। तो ये 5 है, प्लस का पी बट्टे क्यू, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के पी बट्टा क्यू, और ये माइनस का अनरूट इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का अनरूट 3। अब देखो 5 एक परिमेय संख्या थी, पी बट्टे क्यू एक परिमेय संख्या थी, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घट रहा है तो क्या आएगा परिमेय संख्या, और ये अनरूट 3 क्या होता है एक अपरिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताना है, क्योंकि एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः समीकरण 1 विरोधाभास प्रकट होती है, ठीक है, ये चीज़ बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः 5 −√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक। ये चीज़ भी हो गया आराम से, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए बीच बीच में कभी ना फोकस एडजस्ट करने में मोबाइल ब्लर कर देता है, उसके लिए हम सॉरी। फिर क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्य ज्ञात करने के बहुत से मेथड होते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस एक्सेस का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, देखो 1 × 10, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 10 आता हो और जोड़े तो कितना आता हो 7 आता हो, क्योंकि यहाँ पर धन का चिन्ह है, ठीक। तो क्या होता है 5 × 10, 5x + 2x, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है, 5 × 10, और जोड़ने पर 7 भी आता है।
एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, इस जोड़े से क्या कॉमन, एक्स, और इस जोड़े से क्या कॉमन, दो। कॉमन का मतलब वो ऐसी संख्या जो जिसमें दोनों को भाग चला जाए, 2 5 10। ये 2 बार है मतलब सही है हमारा, जो 2 बार होते हैं उसे 1 बार लिखते हैं और दूसरा जिसमें आपने कॉमन लिखा है दूसरे ब्रैकेट में। तो आप क्या लिखोगे, यदि एक्स प्लस 5 बराबर 0 तो प्लस का 5 इधर के क्या होगा, माइनस का 5, 1 0 किया गया। फिर क्या लिखोगे, यदि एक्स प्लस 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या जाएगा, -2। ये दूसरा आंसर आ गया, दूसरा 0 का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यही चीज है लेकिन उसमें बोल दिया, मेथड बोल दिया उसने, द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण के हल करना है। तो हमें द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, 2x² + x - k 5 to 8 = 0। यहाँ a का मान क्या है, 2, b का मान है 1 और c का मान क्या है, 528। ठीक है, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है, x² - b + √b² - k 4ac/2a। ये नियम चलता है, मान रखो -b + -b² यानी कि 1 का² - 4ac/2a, a का मान 2 है, -1 + -1 का² 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 दुनी 8, 8 से गुणा 8 8 है, 64 हासिल लगा 6, 8 दुनी 16, 16 और 6 22 हासिल लगा 2, 8 5 40, 40 और 2 42। यहाँ से क्या जाएगा, देखो ऐड करेंगे तो 4 2 2 5/4। अब इसका रूट निकालना है 4 2 2 5 का। ठीक है, दो दो जोड़ा बनाओ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 6 36 7 7 49, 6 6 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 और ये 25, इसका डबल यहाँ आ जाता है, 5 से गुणा करोगे तो 625 आ जाएगा, घटाएंगे तो 0, तो पूरा पूरा कितना आ जाएगा, 65। ठीक, 65 आ गया वर्गमूल इसका। अब क्या लोगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह जब लोगे तो एक्स का मान यहाँ तो नेगेटिव वाला फिक्स है, 65 में से 1 गया तो कितना आएगा, 64/4, काटो 2 दुनी 4, 2 3 6, 2 दुनी, ठीक है, 2 1 कम 2 6, तो 16 आएगा एक्स का मान जब प्लस चिन्ह लोगे तो। फिर क्या करना है, ऋण चिन्ह लेने पर, जब ऋण चिन्ह लोगे तो एक्स का मान क्या जाएगा, -1 -65/4, तो नेगेटिव का 66/4 काटोगे तो 2 3 6, 2 3 6, 2 2 नहीं, तो एक्स का मान क्या जाएगा, -k 33/2। ये दूसरा आंसर आ जाएगा। तो जिस मेथड से बोला था उस मेथड से निकाल दिया हमने आराम से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि दिए गए एपी का पहला पद एवं सर्वांतर ज्ञात करें। एपी हमें पहले ही बोल दिया उसने कि हमारे पास 12 17 22 27 ऐसे चल रहे हैं, तो प्रथम पद क्या होता है, पहला पद एकदम स्टार्टिंग डी, और सर्वांतर क्या होता है, d = a2 - a1। ठीक, ए टू हमारे पास क्या है, 17, और ए वन कितना है, 12, 17 में से 12 गया 5 आंसर। बहुत ही आसान था, आराम से हो गया। छठे क्वेश्चन पे आ जाऊँ, कह रहे ए पी फिर से बोल रखा है, ए पी हमें दे रखा है 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा, कौन सा पद 81 होगा, यानी कि ए एन हमें -81 दे रखा है,
कौन सा पद होगा, यानी कि हमें एन निकालना है। हमारे पास ए क्या है, 21, और डी क्या है हमारे पास, ए टू माइनस के ए वन, यानी कि माइनस के 3। ठीक है, हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए एन है माइनस के 81, ए है 21, एन हमें ज्ञात करना है और डी का मान है माइनस के 3। 21 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस के 3 गुणा एन माइनस वन, एक और एक 2। ठीक है, और 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 102 नेगेटिव का। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 से कट जाएगा पूरा, 3 3 9 3 6 12, तो 34 बराबर एन माइनस वन, माइनस वन के प्लस वन, तो कौन सा पद होगा, एक माइनस के क्या से है, 35वां पद होगा। सबका आंसर क्या होगा, 35वां पद माइनस के 81 है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया बहुत ही आराम से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहे किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 में है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज, अब चक्रीय चतुर्भुज कुछ कोण क्या होते हैं, जो वृत्त के केंद्र पे बनते हैं, वृत्त के सरफेस पे बनते हैं, और सम्मुख कोणों के जो मान होते हैं वो कितना होता है, 180 होता है सम्मुख कोणों का योग आमने सामने। ठीक है, कितना होता है, 180 होता है। अब इसने क्या बोला, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 में है, यानी कि ये 4x मान लो और ये 5x मान लो। ठीक है, 4:5 में दे रखा था क्वेश्चन में, सो हम लिखोगे आप, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180 होता है ना, यानी कि 4x प्लस 5x 180, यानी कि 9x बराबर 180, 9 दुनी यानी x बराबर कितना जाएगा 20। ठीक, x का मान कितना आ गया 20। अब छोटा कोण क्या था, 4x, यानी कि 4 गुणा 20 यानी कि 80 आ जाएगा, और बड़ा कोण क्या था हमारे पास, 5x, यानी कि 5 गुणा 20 यानी कि 100 हो जाएगा आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² होगी। क्या बोला है इसने, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ये मैं नाम देता हूँ ए बी सी, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ आपस में इक्वल है, और उसका साइड भी गिवन है कि ये कितना है, ए है, ठीक है, ये ए है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ, लंबवत खींचे। सबसे पहले क्या खींचा हमने, क्या खींचा, ए डी खींच दिए लंबवत किस पर, बी सी पर। जैसे ही हम लंबवत खींचेंगे तो ये इसको आधे आधे टुकड़ों में बांट देगा, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, a/2, और ये हिस्सा में नहीं पता है, अभी लंब नहीं पता है, तो नाम दे देंगे त्रिभुज ए डी सी में। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि यहाँ पर 90° का कोण बना है तभी लग रहा है, कर्ण हमारे पास ए है तो 1² आधार हमारे पास a/2 है, और लंब हमें नहीं पता यानी कि ad², a² ये इधर क्या है, a²/4, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा प्लस का है, तो ठीक घटाओगे लॉस ऊपर लोगे, 4 * 4 4a² माइनस के a², तो यहाँ से आज बचेगा 3a² / 4,
ठीक, चार ए स्क्वायर में से स्क्वायर का तीन स्क्वायर बचा, अब ए डी क्या होगा, वर्गमूल लोगे तो तीन का तो अनरूट तीन हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए आ जाएगा और चार का वर्गमूल क्या होता है तो ए डी हमारे पास ही आ जाएगा। ठीक, अब आपको बताएं चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बट्टे दो आधार गुणे ऊंचाई, यही चलता है ना फॉर्मूला, तो हम किसका निकाल लें, यहाँ लिखना एरिया त्रिभुज ए डी सी का, इधर वाला हिस्सा ए डी सी का, देखो इधर वाला जो होगा इधर वाला भी वही होगा है ना, तो एक बट्टा दो आधार कितना है हमारे पास ए बट्टा दो, और ऊंचाई कित ऊंचाई ए डी, ए डी कितनी आई हमारे पास अंडर रूट तीन ए बट्टे दो। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ से लॉस ऑफ कितना आ रहा है आठ, और ऊपर क्या ए गुणा ए क्या हो जाएगा अंडर रूट तीन ए स्क्वायर, तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, देखो जो जो भाग इधर आया है वही भाग इधर भी आएगा तो इसका दुगुना कर देना है, तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा दो गुणा अंडर रूट तीन ए स्क्वायर बट्टे आठ, काटो दो चौके आठ, आपको यही प्रूफ करना था अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। ठीक, यही प्रूफ करना था, ईजिली हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या बोल रहा है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु एक कमा पाँच दो कमा चार और तीन कमा तीन संग्रेखी हैं। ठीक है, संग्रेखी मतलब क्या होता है, देखो संग्रेखी मतलब होता है कि जो सारे बिंदु हैं वो एक ही प्लेन पर हैं, एक ही लाइन में। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। अब ए हमें दे रखा है 1.5, बी हमें दे रखा है 2.4 और सी हमें दे रखा है 3.3। संग्रेखी है, संग्रेखी तभी होगा जब दो छोटे को जब जोड़ें तो वो बड़े की दूरी के बराबर आ जाए। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, ए बी का मतलब ए और बी के बीच की दूरी, फॉर्मूला आपको बताइए एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, तो एक्स वन कितना है वन, एक्स टू कितना है दो, वाई वन कितना है पाँच, वाई टू कितना है चार, सो एक में से दो का हटेगा तो माइनस का एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का वर्ग क्या होता है एक, एक, तो ये क्या आ गया अंडर रूट दो, ए बी हमें अंडर रूट दो मिला। ठीक है, अब हमें निकालेंगे बी सी, अब मैं डायरेक्ट करूँगा, दो में से किसको हटाना है तीन को, चार में से किसको हटाना है तीन को, माइनस एक का वर्ग एक का वर्ग, तो ये भी कितना जाएगा दो। अब मैं क्या निकालूंगा ए सी, ए और सी, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, तो ये माइनस के दो का स्क्वायर दो का स्क्वायर, तो ये चार, चार क्या जाएगा अंडर रूट आठ, अंडर रूट का आठ का मतलब होता है दो अंडर रूट दो है ना, कैसे दो चौके आठ, दो दूनी चार, दो दूनी चार, इसका जोड़ा बना इसका नहीं बना तो दो रूट दो। देखो चूंकि ए सी का जो मान है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ए सी है दो रूट दो, ए बी आया था अंडर रूट दो, बी सी भी आया था अंडर रूट दो, अंडर रूट दो अंडर रूट दो कितनी बार है दो बार, तो दो अंडर रूट दो दोनों तरफ है बराबर आ गया, अतः ये क्या है संग्रेखी, दो छोटे भुजाओं की लंबाई बड़े भुजा की लंबाई के बराबर है, अर्थात ये क्या है संग्रेखी, एक संग्रेख का मतलब होता है सारे बिंदु एक ही लाइन के पर हो जाना। तो दसवां क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह में, कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि कॉस 48 एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, कॉस 23, कॉसिक 42 और कॉसिक 67 का मान एक होता है, ये जो एंगल्स हैं स्पेशल देखो इनके मान हमें नहीं पता, तो मैंने चीज़ बताई थी कि हमेशा उन दो में से एक एंगल को बदलना होगा जिसका मान 90 होता है,
है, एक है कॉस और एक है कॉसेक, और एक है कॉस 23 और एक है कॉसेक 67। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, ठीक है, और इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो ये कॉस है, ये कॉसेक है, ठीक है, और ये कॉस है, ये कॉसेक है। ओके, तो करते हैं, देखो आपको इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, क्योंकि इन दोनों में अगर 90 आ रहा है, इन दोनों को छोड़ने पर 90 आ रहा है। तो कॉस 48, इसको मैं नहीं बदल रहा, इसको बदल रहा हूँ, कॉसिक 48 2 है यहाँ से, तो कॉसिक 90 में से हम कितना घटाएं कि क्या आ जाए, 42 42 आ जाए, तो 48 घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और फिर यहाँ से देखो कॉस, मुझे इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है, पता चल जाएगा अभी। और कॉस 23, कॉसिक कितना घटाएं, कॉसिक 90 में से कितना घटाएं कि 67 आ जाए, 23। बायां पक्ष लिया हमने, आपको बताइए कॉस 40, कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, नहीं सेक, कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक होता है, कॉसिक का सेक, सेक का कॉसिक होता है ना, आपको बताइए, सेक थीटा की जगह क्या, 48। ये कॉस कॉसिक, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक 23। हाँ, और आपको मैंने एक चीज़ बता रखा था, कॉस थीटा गुणे सेक थीटा का मान क्या होता है, एक शर्त ये होनी चाहिए कि इस यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पर भी वही एंगल हो, है यहाँ पर देखो सेम सेम, तो इसका मान क्या होगा, एक गुणा, यहाँ पर भी सेम है तो इसका मान भी एक, तो एक गुणा एक क्या होगा, एक, आंसर एक ही लाना था आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अगर साइन थीटा का मान 12/13 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान आपको निकालना है। देखो मैं बताता हूँ आपको, याद रखना है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से क्या होता है कॉसिक, यहाँ से सेक और यहाँ से कॉट, तो साइन ऊपर है, 12/13 यानी कि लंब बट्टे कर्ण, ये लंब है, ये कर्ण है, फिगर बनाओ, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर आपको आधार निकालना है तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो इसको हल कर देता हूँ, 169 में से 144 घटाओगे तो आएगा √25, √25 का मान कितना होता है 5, तो ये दूरी कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, 5। आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है आपके पास 5 और कर्ण कितना है 13, फिर आपको निकालना है टेन थीटा, ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, आंसर। ठीक है, आराम से हो गया, ये क्वेश्चन भी डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि हमें प्रूफ करना है कि 1+cos थीटा 1-cos थीटा बराबर क्या होता है, 1+cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ये हमें सिद्ध करना है। और मैंने ऐसे क्वेश्चन 15 पिछले 15 साल में जितने पूछे गए हैं सारे करा रखे हैं एक वीडियो में, 1 घंटे की। सो अगर आप देखना चाहते हो मैं उसके लिंक्स दूंगा, या फिर आप वीडियो लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो देखो ये चीज़ें लाना है, तो जब बायां पक्ष को सॉल्व करके दायां पक्ष लाना है हमें, तो क्या लिखोगे, बायां पक्ष लेने पर जब हम बायां पक्ष लेंगे तो देखो एक चीज़ दिख रही है हमें, सेम चीज़ है लेकिन चिन्हों का फर्क है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण क्या होता है, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देना, या नेगेटिव है तो ऊपर प्लस हो जाएगा,
ये चीज़ दो बार गुणे में है तो स्क्वायर लग जाएगा। और ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये क्या है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। सो अंडर रूट से जब बाहर आएगा स्क्वायर हट जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा, और स्क्वायर यहाँ से भी हट जाएगा अंडर रूट से बाहर आएगा तो। और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बिंदु ए है, ये वृत्त के केंद्र माना ओ, यह मानो ए, कितनी दूर है इस केंद्र से, 10 सेंटीमीटर दूर है। और इससे जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी बोली है, 8 सेंटीमीटर बोली, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। ये वृत्त की त्रिज्या आर है, ये हमें निकालना है। और आपको पता है प्रमेय 10.1 के अनुसार यहाँ पर कौन सा एंगल बनता है, 90। तो ये हमारा क्या, एक्चुअली कर्ण, ये कर्ण है। और ये आप कुछ भी मान, ये आधार मान लो या फिर इसको लंब मान लो, ये हमारा लंब है, तो हमें आधार निकालना है। तो क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, इसे बी मान दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 10 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 10 का वर्ग क्या होता है, 100 64। ये प्लस इधर के क्या होगा, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 36। तो हमें आर का मान निकालने के लिए इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, तो 36 का क्या होता है, 6। सो आर का मान क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और दे रखा है इसी मॉडल पेपर में, 15, उसे भी कर लेते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन, एकदम डिट्टो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। कह रहे हैं, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसे आप खुद करना, मतलब सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम फिर दे दिया गया है, कोई सेंस नहीं बनता था। वृत्त का केंद्र ओ मान लो, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है एक बिंदु ए, और वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है। आई थिंक मैं वही क्वेश्चन तो रिपीट नहीं कर रहा, सॉरी सॉरी, वही क्वेश्चन है, नहीं ये 6 बोला है, क्वेश्चन वही है, और तो त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो ये करना है आपको, आराम से निकल जाएगा, जैसे अभी किया था। मेरे को कमेंट करके बताना कि आपकी बार आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। कह रहे हैं, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 12 और 5 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये 12 है, ये 5 है, इनके योग से एक नया वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, दिया क्या है, इस परिधि को मैं C1 बोलता हूँ, इसकी परिधि को C2 बोलता हूँ, इसकी परिधि को मैं C बोलता हूँ ओनली। ठीक है, सो क्या दे रखा है, जिनकी परिधियों का योग दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हमें क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, परिधि, इसकी परिधि क्या होगी, 2πr1, इसकी परिधि क्या होगी, 2πr2, और इसकी परिधि क्या होगी, 2πr। देखो 2π कॉमन है, यहाँ से R1 प्लस R2 आ जाएगा, 2π से 2π कैंसिल, R1 का मान है 12, R2 का मान है 5, और यहाँ 8। तो जो दूसरी बड़ी वृत्त होगी उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 17 सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आगे जो 18 है वो क्या बोल रहे हैं कि लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निकालें जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर हो और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो। लंब वृत्तीय शंकु बोला है ऐसा, ठीक है। शंकु का ऊंचाई क्या दे रखा है 28 सेंटीमीटर, आप ऐसे लिखना दिया हुआ है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 दिया है। हमें क्या दे रखा है कि जो ऊंचाई है h 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है आयतन निकालना। आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, 1/3 π का मान 22/7, आर का मान 21 × 21, एच का मान 28, 7 × 21 3 × 3 कट, तो 22 × 21 × 28। इन तीनों को गुणा कर देना आपस में और यहाँ लिख देना सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया, गुणा तो कर ही लोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ये अर्धगोला है उसके ऊपर एक शंकु है, ठीक। ये चीज़ बोल रहे हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर, यानी कि ये भी 1 है। इस ठोस का आयतन पाई पाई के पदों में निकालिए, ठीक है। यानी कि हमें दे रखा है आर बराबर 1 सेंटीमीटर, एच बराबर 1 सेंटीमीटर। एच किसका, शंकु का दिया है, ऐसे लिख देना दिया है शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो क्या होगा ठोस का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, अर्धगोले का क्या होता है 2/3 πr³। पाई के पदों में निकालना है तो पाई का मान नहीं रखना है, आर का मान है 1, एच का मान है 1, आर का मान है 1 का स्क्वायर कितनी बार भी करो एक ही रहता है, और 1 को 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा पाई प्लस 2π, तो 3π/3, 3 से 3 कटा, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बहुलक निकालना है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ दिया जाता है। कह रहे दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक निकालिए। बहुलक का सूत्र आपको पता ही होगा, ठीक है। बहुलक का सूत्र क्या होता है, यहाँ से एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो, फिर क्या होता है 2f1 - f0 - f2 × h, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। और हमें क्या दे रखा है, देखो टेबल आपको दे रखी है क्वेश्चन में, प्राप्तांक और ये है f विद्यार्थियों की संख्या, कितना है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, ये दे रखा है 2, 3, 7, 6, 6, 6। तो जो सबसे बड़ी आपको दिख रही है यहाँ से, ये आपका एफ वन होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला आपका एफ ज़ीरो, इसके जस्ट नीचे वाला आपका एफ टू, और इसी में आपको दिख रहे हैं 40 से 45 है, तो एल आपका 40 है, 40 से 55, और एच क्या होगा 55 - 40 यानी कि 15, और हमारा एफ वन क्या है 7, एफ ज़ीरो है 3 और एफ टू एच है। ये सारे मान उठा के कहाँ रख देना है यहाँ पर, और हल कर लेना है। तो बहुलक, बहुलक को अंग्रेजी में मोड बोलते हैं। एल का मान कितना है 40, एफ वन कितना है 7, माइनस एफ ज़ीरो कितना है 3, टू एफ वन टू
F1 कितना 7, तो यानी कि 14 माइनस 3 माइनस 6 और गुणे कितना है 15, तो 40, 7 में से 3 गया 4, 14 में से 6 गया कितना 5, 5 तिया 15, 14 में से 9 गया 5 बचा ना, तो 5 तिया 15, 40 अतिया 12, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 52। तो जो बहुलक होगा वो कितना होगा, 52 होगा। आराम से हो गई ये क्वेश्चन भी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। कह रहे हैं एक थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। एक लाल है, एक नीली है, नीली को ब्लू बोलते हैं। एक लाल, एक नीली और एक पीली, पीली मतलब येलो, ठीक है। तो सभी गेंद एक ही साइज की हैं, चुनमुन बिना, तुम्हें तो कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद है 3 और सभी प्रकार की गेंद एक एक हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी। प्रायिकता निकालनी है पीली गेंद की, यानी कि वह येलो गेंद की निकालनी है प्रायिकता। संभव परिणाम कितने हैं, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम होता है, तो संभव परिणाम 1 है और कुल परिणाम 3 है, ये इसका आंसर आ जाएगा 22। प्रायिकता कह रहे हैं एक पासे को फेंकने पर 3 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या है, 3 के ऊपर। जब पासा फेंकते हो तो परिणाम क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सम कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 6 परिणाम है। और 3 के ऊपर, 3 के ऊपर क्या क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी कि संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास, गिनो 1 2 3, 3 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, 3 1 3, 3 2 6 आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। कह रहे हैं के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु संरेख हैं। के का मान ज्ञात करना है, आपको पता है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो दो तरीके हैं। सो संरेख अगर बोला है तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के इक्वल होता है एरिया, है ना। सो ये ए आपका बिंदु क्या हो जाएगा, 16,2, बी आपका क्या हो जाएगा, के कोमा माइनस का 8, और सी क्या होगा, 4 कोमा माइनस के 10। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये बट्टे का दो तरह के क्या, 0 हो जाएगा। सो इसका काम खत्म। x1 कितना है, 16, y2 देखो हम नीचे लिख दो तो आस बढ़िया रहेगा, x1 x2 y2 x3 y3, तो y2 कितना है, माइनस का 8, y3 कितना है हमारे पास, माइनस के 10, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। x2 हमारे पास k है, y3 हमारे पास माइनस के 10, y1 हमारे पास 2, x3 हमारे पास 4 और y1 हमारे पास है 2 और y2 हमारे पास है माइनस के 8, तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो देखो 10 में से 8 गया 2, 16 दूनी 32, माइनस के 12 आ जाएगा, और यहाँ से 10 चौके 40, तो माइनस के 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 12, और ये 72 हो जाएगा, 12 छंग 72, तो के का मान क्या जाएगा, 6, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। चौबीस क्या बोल रहा है, यदि बिंदु 3,k तथा 4,k,5 से बिंदु 2,2 की दूरियां समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए।
देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, कह रहे बिंदु 3, के तथा k,5 से बिंदु 0,2 के समान है। यहाँ पर एक बिंदु है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो k,5, और बीच में एक बिंदु है जिसे पी मान लो, जिसके निर्देशांक है 0,2। ये समान है तो k का मान क्या होगा, यानी हमारे पास क्या ए पी बराबर पी बी दे रखा है। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ए पी, ए और पी के बीच की दूरी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब पी बी करना है x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या 3 में से 0 के 3 का वर्ग 9, k-2 का वर्ग, माइनस के का स्क्वायर क्या होगा, के का स्क्वायर, और 2 में से 5 गया 3, 3 का वर्ग 9। वर्ग कर दो दोनों तरफ, वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 9 + k-2 का वर्ग k² + 9, इधर भी 9 इधर भी 9 कटा, के खोल दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, इधर भी के स्क्वायर इधर भी के स्क्वायर कटा तो 4 - k, 4k = 0, तो उधर जाएगा 4 = 4k, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 × 4, तो k का मान क्या जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं हमारे दीर्घ को, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है वो भी मैंने कहा रखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, या फिर इसके बाद वाली वीडियो ही है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट वाले प्रॉब्लम का। cot 48 * cot 23 * cot 42 * cot 67 का मान मुझे 1 लाना है। तो वही नियम लगेगा, 48 और 42 को जोड़ोगे तो 90 आ रहा है, और इसको इसको जोड़ोगे तो 90 आ रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, और इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। मैं cot 48 को ऐसे रखता हूँ, इसमें से 90 में से क्या माइनस करके 42 आ जाए, 48। cot 23 का ऐसे रखता हूँ, cot 90 में से क्या माइनस करें कि 67 आ जाए, 23। आपको पता ही होगा फॉर्मूला, cot 90 - थीटा क्या होता है, 10 थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, 10 23। आपको मैंने एक चीज़ बताना है कि 10 थीटा * cot थीटा अगर होता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है, बशर्ते कि ये थीटा आपस में बराबर हो। थीटा यहाँ कितना था, 48 था, ये बराबर है, इसका मान क्या होगा 1, ये बराबर है, इसका मान क्या होगा 1 * 1 क्या होता है 1। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।